Assalamu alaikum. Awaaz aa rahi hai bachcho? Can you hear me? Okay, great. Kal humne Belbin ka model discuss kar liya tha. Today we'll be starting with team development, Tuckman. Bruce Tuckman ka model, one of the most important models for your coming attempt. Bruce Tuckman ne kaha tha ki team apni development mein पांच स्टेजेस से गुजरती है और हर स्टेज के ऊपर टीम की डायनामिक्स डिफरेंट होती हैं, टीम के डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होते हैं, लीडर का स्टाइल डिफरेंट होता है. सो डिफरेंट फैक्टर्स हैव डिफरेंट कंसर्न्स ड्यूरिंग ईच ऑफ दी स्टेज. ब्रूस टकमैन ने 1965 में ये एनालिसिस प्रेजेंट किया था दैट हाउ स्मॉल टीम्स डेवलप ओवर टाइम and what appropriate form of leadership style is required at each stage. So basically Bruce Tuckman ka jo model hai, it will also help you revisit styles of leadership. Tuckman ke model mein hum leadership styles ko bhi revisit karenge. Tuckman ne kaha tha ki original jo analysis tha usme char stages thi, forming, storming, norming and performing. Initially there were four stages. It was forming, it was storming, it was norming and it was performing. Forming की stage ऐसी है जिसमें आप सिर्फ members को इकट्ठा करते हैं team के, आप individuals को collect करते हैं. There are no clear roles, no responsibilities, task ambiguities बहुत high होती हैं, team members आपस में gelled in नहीं होते. Leader यहाँ पे telling style use करता है, tells the subordinates and guides them what to do. यहाँ पे जो रोल होता है लीडर का दैट इज मोर ऑफ एन अथॉरिटेटिव नेचर रादर देन डेमोक्रेटिक नेचर. लीडर ज़्यादा अथॉरिटेटिव रोल यहाँ पे प्ले करता है क्योंकि लीडर जो है उसने सबॉर्डिनेट्स को गाइड करना होता है, डायरेक्ट करना होता है. स्टॉर्मिंग की स्टेज के बाद, फॉर्मिंग की स्टेज के बाद आती है स्टॉर्मिंग की स्टेज. स्टॉर्मिंग की जो स्टेज होती है यहाँ पे टीम में कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व होते हैं. जब टीम मेंबर्स आप इकट्ठे करते हैं, व्हेन यू कलेक्ट टीम मेंबर्स, इसके ऊपर बल्कि मैं आपको एक इंटरेस्टिंग डायग्राम दिखाता हूँ. उस डायग्राम से आपका आइडिया थोड़ा और क्लियर हो जाएगा. लेट मी शो यू अ डायग्राम अगेंस्ट दैट. ये चारों स्टेजेस जो है ये एक आपकी बुक में डायग्राम मौजूद नहीं है, बट आई हैव अ डायग्राम टू शो दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड दिस मॉडल इन अ मच बेटर वे. Okay, so groups and teams. I guess it was 10th, 11th, 10th chapter. Just hold on, give me a second.
Okay, these are the four stages. Basic पहले चार stages थी, फिर पांचवी stage बाद में add हुई थी adjourning की. Forming की stage में purpose unclear होता है, agreement कम होता है, direction और guidance चाहिए होती है, तो leader tearing style use करता है. Storming की stage में फिर conflicts remove होते हैं, clarity बेहतर होती है, power struggles होती हैं, coaching required होती है. जब नॉर्मिंग की स्टेज आ जाती है तो हर एक को अपना रोल पता लग जाता है, क्लैरिटी ऑफ रोल आ जाती है, तो लीडर फिर यहाँ पे फैसिलिटेट करता है, लीडर यहाँ पे पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट स्टाइल यूज करता है. जब परफॉर्मिंग की स्टेज आती है तो परफॉर्मिंग में टीम सिनर्जाइज हो जाती है, टीम सिनर्जी परफॉर्मिंग की स्टेज में अचीव हो जाती है, पर्पज भी क्लियर है, गोल फोकस भी क्लियर है, और अब यहाँ पे जो लीडर है वो डेलीगेट कर रहा होता है. सो देर आर डिफरेंट वेज इन विच The leader plays a different role in each of these stage. Forming की जो stage है, that's a very basic stage. Initial stage of existence है team की, जहाँ पे team form हो रही होती है. Team is a collection of individuals only, but individuals do not know what they are supposed to do, what their roles and responsibilities are. Unclear होते हैं. High level dependence होती है team leader के ऊपर for guidance and direction. Team leader must therefore direct the team members and tell them what to do. तो यहाँ पे leader telling style use करता है. स्टॉर्मिंग की स्टेज जो है वो सेकंड स्टेज है टीम डेवलपमेंट के अंदर. इस स्टेज के अंदर डिसीजन मेकिंग इतनी आसान नहीं होती, डिसीजंस बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट का शिकार होते हैं, टीम मेंबर्स हैव कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन देम, उनके एटीट्यूड्स, उनकी नॉर्म्स और उनकी प्री कंसेप्शंस जो है वो मैच नहीं हो रही होती, एंड दे आर चैलेंज्ड बाय अदर टीम मेंबर्स. टीम मेंबर्स आपस में पावर और स्टेटस के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं, लड़ रहे होते हैं, हर कोई चाह रहा होता है कि ये ड्यूटी मुझे मिल जाए, ये रोल मुझे मिल जाए. और फिर क्या होता है, टीम में क्लीक्स एंड फैक्शंस बन जाती हैं. क्लीक का लफ्ज ही मतलब होता है धड़े. धड़े जो होते हैं ये स्मॉल ग्रुप्स होते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल अगर छह लोगों की आपने टीम बनाई है तो छह लोगों की टीम में दो दो लोगों के तीन ग्रुप बन गए हैं, और वो दो दो लोगों के तीन ग्रुप आपस में कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हो रहे हैं. इसे क्लीक्स एंड फैक्शंस कहते हैं. फैक्शन का मतलब होता है स्मॉल पोर्शन. तो स्टॉर्मिंग की स्टेज में क्लीक्स एंड फैक्शंस बन जाती हैं टीम्स के अंदर, ठीक है. पावर स्ट्रगल्स बढ़ जाती हैं. यहाँ पे ओवरऑल पर्पस की जो क्लैरिटी है वो तो थोड़ी सी आ जाती है, और यहाँ पे लीडर का जो रोल है वो फिर कोच का होता है. लीडर हैज़ टू कोच द टीम मेंबर, लीडर हैज़ टू मोटिवेट देम, एनकरेज देम कि वो अपने टास्क पे फोकस करें रादर देन फोकसिंग ऑन रिलेशनशिप्स एंड इमोशनल इश्यूज. इमोशनल इश्यूज और रिलेशनशिप पे फोकस करने के बजाय लीडर उन्हें एनकरेज कर रहा होता है कि वो टास्क फोकस्ड हो. यहाँ पे जो लीडर का रोल होता है वो सेलिंग का होता है. यहाँ पे जो लीडर है वो उन्हें मोटिवेट कर रहा है, उन्हें एनकरेज कर रहा है, उन्हें उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर रहा है, तो यहाँ पे वो सेलिंग का रोल प्ले कर रहा है. फिर तीसरी स्टेज आती है नॉर्मिंग की. नॉर्मिंग का वर्ड निकला है नॉर्म से. नॉर्म्स हमने पढ़े थे कल्चर के अंदर. नॉर्म्स क्या होते हैं, वेज ऑफ डूइंग थिंग्स, चीज़ों को काम करने के तौर तरीके. तो नॉर्मिंग स्टेज के अंदर जो टीम है वो नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर्स डेवलप कर रही होती है. रोल ऑफ टीम मेंबर्स आर नाउ वेरी क्लियर. The way in which decisions are taken, ये भी established हो चुके हैं. अब हर employee को पता है कि मेरा team में क्या role है, मैंने क्या काम करना है. Major decisions are now taken collectively. Consensual decision making आ गई, with all team members contributing to decision making. So यहाँ पे जो team leader है वो participative style use कर रहा होता है, so that all the team members can have a say in the process of decision making. यहाँ पे फिर जो team leader है वो पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट स्टाइल ऑप्ट करता है, ताकि हर बंदा जो है उसकी कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन हो डिसीजन मेकिंग. वंस द स्टेज ऑफ नॉर्मिंग इज ओवर, फिर आती है परफॉर्मिंग स्टेज. परफॉर्मिंग स्टेज में टीम अपने फुल पोटेंशियल पे ऑपरेट कर रही होती है. ये वो स्टेज है जहाँ पे टीम सिनर्जी इफेक्ट क्रिएट करती है. दिस इज वेयर द टीम यूनिटी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वन, एंड दिस इज वेयर द टीम इज नाउ क्रिएटिंग सिनर्जी इफेक्ट. टीम मेंबर्स अब स्ट्रेटेजिकली अवेयर हैं एक दूसरे की एक्टिविटीज से, why the team exists and what is that it is trying to achieve. Team members are now also able to get on with their job without interference from the team leader. Team members jo hai wo ab leader ki interference se baghair kaam karne ke liye taiyar hai. To yahan pe phir team leader kya karta hai, delegate kar deta hai decision making team members ke hawale kar deta hai, aur unki performance ko sirf oversee karta hai. Definitely performing stage ke andar bhi conflicts paida hote hain, conflicts aate hain, lekin
अब टीम मेंबर्स इतने मैच्योर हैं कि वो उन कॉन्फ्लिक्ट को खुद अपने ओन पे रिमूव कर सकते हैं. नाउ दे डोंट नीड एनी गाइडेंस और एनी अदर व्हाट यू कैन से अथॉरिटी फ्रॉम द लीडर. ठीक है, तो परफॉर्मिंग की जो स्टेज है, अच्छा आफ्टर 12 साल बाद, ओरिजिनल मॉडल दिया था 1965 में और उसके बाद 1977 में 12 साल बाद तक मैंने एक पांचवी स्टेज ऐड की थी जिसने नाम दिया था डॉर्मिंग का. जब एक ग्रुप अपना पर्पस अचीव कर लेता है, अपना टास्क अचीव कर लेता है, तो ग्रुप की टाइज टूटती हैं, द ग्रुप में ब्रेकअप. ठीक है ना, टीम मेंबर में फील अ सेंस ऑफ लॉस और ब्रेकअप जो है दैट कैन बी इवन स्ट्रेसफुल अगर ये ग्रुप जो ब्रेकअप हो रहा है ये अनप्लान्ड या अनएक्सपेक्टेड होगा. यानी टीम मेंबर्स आर विलिंग टू वर्क टुगेदर फॉर द फ्यूचर, बट अगर आप अनएक्सपेक्टेडली ग्रुप को ब्रेकअप कर देंगे तो दैट इज गोइंग टू बी नेगेटिव फॉर द टीम मेंबर्स. अच्छा, बात सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पे ग्रुप को ब्रेक करना आपकी मजबूरी बन जाती है, जैसे कहते हैं ग्रुप थिंक. एक वक्त ऐसा आता है किसी टीम के अंदर जब ग्रुप थिंक डेवलप हो जाता है. ग्रुप थिंक कहते हैं दैट ऑल द मेंबर्स स्टार्ट थिंकिंग इन अ सेम वे और वो कॉमन व्यूज शेयर करने लग जाते हैं और वो बिजनेस एनवायरनमेंट की डेवलपमेंट्स को इग्नोर कर लेते हैं एंड दे स्टार्ट बिलीविंग दैट व्हाटएवर दे आर थिंकिंग दैट इज करेक्ट. इसे हम ग्रुप थिंक कहते हैं. जब टीम लीडर को लगता है कि किसी ग्रुप में ग्रुप थिंक पैदा होना शुरू हो गया है तो वो उसी वक्त टीम को डिस्पर्स कर देते हैं, तोड़ देते हैं. ग्रुप थिंक के अंदर फिर जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनके लिए ग्रुप की एग्जिस्टेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है एज कम्पेयर टू अचीविंग सम गोल और सम टास्क. फॉर देम द एग्जिस्टेंस ऑफ द ग्रुप बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट एज कम्पेयर टू अचीव सम गोल और सम टास्क. इट मे बी नेसेसरी टू ब्रेक अप द टीम. फिर आपको टीम को तोड़ना पड़ता है, यू हैव टू ब्रेक द टीम. तो डॉर्मिंग की स्टेज के अंदर दो सिचुएशंस हो सकती हैं. एक सिचुएशन ये है कि टीम ने अपना पर्पस अचीव कर लिया है और अब आप टीम को तोड़ रहे हैं. इस सिचुएशन में लॉस एक फीलिंग तो होगी, सेंस ऑफ लॉस तो होगा, लेकिन डिससेटिस्फेक्शन नहीं होगी बिकॉज यू विल बी सेटिस्फाइड बिकॉज यू हैव अचीव्ड योर गोल. लेकिन अगर एक किसी टीम में अगर ग्रुप थिंक डेवलप हो गया है, इफ ग्रुप थिंक हैज बीन डेवलप्ड, फिर आपको टीम जानबूझ से तोड़नी पड़ेगी एंड दैट वुड डेफिनेटली बी अफेक्टिंग द वे टीम हैज बीन परफॉर्मिंग. टकमैन का मॉडल बड़ा इंपॉर्टेंट मॉडल है मैनेजमेंट के लिए. ये बड़ा इंपॉर्टेंट कमेंट है. नॉट ऑल द टीम्स गो थ्रू ऑल द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट. रिमेंबर, सारी की सारी टीम सारी की सारी डेवलपमेंटल स्टेजेस से नहीं गुजरती है. पॉसिबल नहीं है कि एक टीम फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग और परफॉर्मिंग हो. ये मुमकिन है कि एक टीम बीच में से कुछ स्टेजेस को स्किप कर दे, स्टॉर्मिंग हो ही ना और फॉर्मिंग के बाद डायरेक्ट परफॉर्मिंग स्टार्ट हो जाए. और ये भी मुमकिन है कि एक टीम जो है वो किसी एक स्टेज पे आके अड़ जाए, रुक जाए और वहां से आगे प्रोग्रेस ना करे. फॉर एग्जाम्पल, स्टॉर्मिंग की जो स्टेज है ये सबसे क्रिटिकल स्टेज है. जो टीम स्टॉर्मिंग पे आके रुक जाती हैं और वहां से आगे मूव नहीं कर पाती वो फिर डिजास्ट्रस होती हैं, वो टीम्स टूट जाती हैं. तो इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि किसी भी स्टेज के ऊपर टीम आके स्टेगनेंट हो जाए. तो टकमैन का जो एनालिसिस है दैट इज वेरी यूजफुल फॉर द मैनेजमेंट. मैनेजमेंट के लिए इसमें तीन इंपॉर्टेंट चीजें. नंबर वन, पहला लेसन क्या है इसमें मैनेजमेंट के लिए, कि मैनेजमेंट शुड बी अवेयर दैट एवरी टीम शुड बी गिवन टाइम टू डेवेलप. आप जब टीम बिल्डिंग कर रहे होते हैं तो टीम फौरन परफॉर्म करना शुरू नहीं कर देती. यू हैव टू गिव सम टाइम टू द टीम टू डेवलप. पेशेंट होना होता है आपको, आपको सब्र करना होता है कि अभी आपने अगर टीम फॉर्म की है तो कुछ अरसा लगेगा, दो दिन, चार दिन, महीना लगेगा टीम को परफॉर्मिंग तक जाते जाते. तो मैनेजमेंट शुड बी अवेयर द टीम शुड बी गिवन सम टाइम टू डेवलप. हाउएवर, व्हेन मैनेजमेंट ऑब्जर्व्स कि टीम प्रोग्रेस नहीं कर रही, किसी एक स्टेज पे आके रुक गई है, स्टक हो गई है, तो फिर आप उस टीम को ब्रेक कर देते हैं, तोड़ देते हैं. तो ये भी मुमकिन है कि एक टीम परफॉर्मिंग तक जाए ही ना, उससे पहले टूट जाए. और सबसे क्रिटिकल इसमें जो टकमैन के मॉडल की इंसाइट है वो ये है कि टकमैन का जो मॉडल है दैट गिव्स सम इंसाइट ऑन द स्टाइल ऑफ लीडरशिप और स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट. ऐसे भी हमने डिस्कस किया, फॉर्मिंग में टेलिंग स्टाइल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टॉर्मिंग में सेलिंग स्टाइल, नॉर्मिंग में पार्टिसिपेटिव और परफॉर्मिंग में डेलीगेटिंग. ठीक है, सो हर स्टेज के ऊपर एक पॉसिबल स्टाइल जो है वो एग्जिस्ट करता है एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एलोकेट द राइट स्टाइल टू द लीडर ताकि वो उस स्टाइल के अकॉर्डिंग टीम को चलाए. ये बड़ी मजे की एग्जाम्पल है, दैट्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल. ये एग्जाम्पल इन सारी स्टेजेस के ऊपर आपको अभी एक क्विक रिव्यू करवाएगी. एग्जाम्पल कहती है जी, 3 साल पहले एक यूनिवर्सिटी के बिजनेस स्कूल में उन्होंने एक रिसर्च टीम बनाई जिसके 6 मेंबर्स थे.
और उस रिसर्च टीम को टारगेट क्या दिया, पर्पस क्या था टीम का? पर्पस ये था कि वो रिसर्च प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई करें कि किस किस एरिया में रिसर्च हो सकती है, फिर उस रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग लेके आए, इंडस्ट्री से फंडिंग ऑब्टेन करें, लोगों से पैसे पैसे लें, और फिर उस रिसर्च प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके कमर्शलाइज करें, रिसर्च कैरी आउट करें, प्रिपेयर करें रिसर्च पेपर्स को ताकि वो पब्लिश किए जा सकें और कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड हो स्कूल के अंदर, बिजनेस स्कूल के अंदर। तो ये तीन इंपॉर्टेंट टास्क दिए गए। अच्छा, अब इनिशियली ऑल द मेंबर्स वर लॉस्ट, देयर वाज अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी अबाउट व्हाट द ग्रुप शुड डू और हाउ इट शुड सेट अबाउट द टास्क ऑफ अप्लाइंग फंडिंग फॉर देयर वर्क। शुरू शुरू में पता ही नहीं था, क्योंकि अभी फॉर्मिंग स्टेज चल रही है ना, तो फॉर्मिंग स्टेज में रोल्स भी अनक्लियर होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी अनक्लियर होती हैं, तो अभी तक पता ही नहीं है कि किसका क्या काम है। फिर एज द टीम गेन्ड एक्सपीरियंस, जो जो थोड़ा बहुत काम करना शुरू किया, द टीम बिकेम मोर कॉन्फिडेंट अबाउट व्हाट इट वॉज डूइंग एंड व्हाट इट वॉज ट्राइंग टू अचीव। ये है स्टॉर्मिंग की स्टेज। स्टॉर्मिंग की स्टेज में आपका पर्पज थोड़ा और क्लियर हो गया। ये देखें, स्टॉर्मिंग की स्टेज में इंक्रीज क्लैरिटी ऑफ पर्पज, यहाँ पे क्या है अनक्लियर पर्पज, तो फॉर्मिंग में पर्पज ही क्लियर नहीं है, स्टॉर्मिंग में कम से कम आपका पर्पज जो है वो क्लियर हो गया है, यू हैव नाउ क्लैरिटी ऑफ पर्पज। देर वर सम आर्गूमेंट्स बिटवीन द टीम मेंबर्स अबाउट द वर्क दैट ईच ऑफ देम शुड बी डूइंग। कुछ आर्गूमेंट्स तो हैं अभी, क्योंकि स्टॉर्मिंग में आर्गूमेंट्स होते हैं। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर इकट्ठे, दे स्टार्टेड कैरिंग आउट द रिसर्च एज अ ग्रुप, सब ने मिल के सारे महाज संभाल लिए। फिर वक्त के साथ साथ उन्हें पता लगा कि कुछ टीम मेंबर्स कुछ काम करने में ज्यादा बेहतर हैं। फॉर एग्जाम्पल, तीन काम दिए गए थे ना शुरू में, रिसर्च प्रोजेक्ट्स को ढूंढना है, फंडिंग के लिए सोर्सेज ढूंढनी है, और रिसर्च पेपर्स लिखने हैं। अच्छा, अब ये पॉसिबल है कि कोई एक मेंबर जो है उसकी नेटवर्किंग स्किल्स स्ट्रांग हो, तो उसको उन्होंने लगा दिया फंडिंग ढूंढने के लिए, एक मेंबर लिखता अच्छा है, राइटिंग स्किल्स शार्प है, उसे उन्होंने लगा दिया रिसर्च पेपर लिखने पे। तो वक्त के साथ साथ इवेंचुअली द ग्रुप बिगेन टू ऑपरेट मच मोर एफिशिएंटली। ईच मेंबर ऑफ द ग्रुप और द टीम नाउ अडैप्टेड टू अ फंक्शन दैट ईच मेंबर अंडरस्टूड इंस्टिंक्टिवली व्हाट ईच ऑफ देम शुड बी डूइंग। अब इनको पता लग गया कि हर मेंबर जो है वो क्या क्या बेहतर कर सकता है, क्या क्या उसकी एक्सपर्टीज है, और वो उसने उस काम को शुरू कर दिया। ठीक है ना, अब टीम फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग और नॉर्मिंग तक आ गई है। ठीक है ना, अब टीम ने आगे सिनर्जी क्रिएट करनी और परफॉर्मिंग तक जाना है, लेकिन अचानक क्या हुआ, व्हाट हैपेंड रिसेंटली, तीन मेंबर्स टीम छोड़ गए, तीन लोगों ने टीम छोड़ दी, किसी एक ने किसी और बिजनेस स्कूल में नौकरी कर ली, किसी एक ने, बाकी दो ने रिटायरमेंट ले ली, रिटायर हो गए, और तीन नए मेंबर्स अपॉइंट कर दिए गए टीम में। नाउ व्हाट विल हैपन, अब टीम ने फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग और नॉर्मिंग की स्टेज क्रॉस कर ली हुई थी, अब दोबारा टीम स्क्वायर वन पे आ गई। हैविंग नाउ द टीम लीडर नीड्स टू रिकॉग्नाइज दैट द टीम हैज रीच्ड अ न्यू स्टेज ऑफ इट्स डेवलपमेंट, हैविंग गॉन थ्रू फॉर्मिंग एंड स्टॉर्मिंग एंड नॉर्मिंग स्टेज, नॉर्मिंग तक आ चुकी थी, चेंज इन द टीम मेंबरशिप हैज टेकन इट बैक टू न्यू फॉर्मिंग स्टेज, नई फॉर्मिंग स्टेज पे आ गई। ठीक है, अब दोबारा से फॉर्मिंग होगी, दोबारा से रोल क्लैरिटी होगी, दोबारा से स्टॉर्मिंग होगी, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होंगे, एंड टीम विल अगेन हैव टू गो थ्रू द फॉर्मिंग एंड स्टॉर्मिंग स्टेज अगेन टू बिकम एज इफेक्टिव एज इट वॉज बिफोर द थ्री टीम मेंबर्स लेफ्ट। उन तीन टीम मेंबर्स के छोड़ने से पहले जो टीम के हालात थे, टीम को दोबारा उस स्टेज पे जाने के लिए, दोबारा उस सिचुएशन पे आने के लिए, दोबारा उन्हीं स्टेजेस से गुजरना पड़ेगा। तो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रूस चकमैन पे दोनों तरह से सवाल आ सकता है। एक क्वेश्चन ये आ सकता है पेपर के अंदर कि सिचुएशन दी जाए और कहा जाए बताएं टीम अपनी फॉर्मेशन की, अपने डेवलपमेंट की कौन सी स्टेज से गुजर रही है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। या फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकता है, कोई 8 मार्क्स का, 10 मार्क्स का, डिपेंडिंग अपॉन की कितनी स्टेजेस पे क्वेश्चन पुट कर रहे हैं। That is what we call as Bruce Chuckman's model of team development. Any question from Bruce Chuckman's model? 9th chapter का सबसे important model है, paper point of view से भी special importance hold करता है ये वाला model. Bruce Chuckman के model में से कोई question? Dorming जो है ना, देखें मैंने आपको बताया कि dorming के अंदर दो चीजें हैं, डॉर्मिंग में दो चीजें। नंबर वन, डॉर्मिंग की स्टेज आती है जब टीम का पर्पस अचीव हो जाता है, टीम ने अपना गोल पूरा कर लिया, अब टीम तोड़ेंगे आप,
कोई नया टास्क आएगा, कोई नई टीम बनेगी, तो ये डॉर्मिंग की स्टेज है। ऑल्टरनेटिवली एक टीम अच्छा काम कर रही है लेकिन टीम के अंदर ग्रुप थिंक डेवलप हो गया है और अब वो टीम चेंज होने को तैयार नहीं है। नाउ द टीम इज रेजिस्टेंट टू चेंज। तो ऑल्टरनेटिवली जब टीम अपनी एफिशिएंसी लूज कर देती है, व्हाई? बिकॉज मेंबर ऑफ द टीम हैव नाउ स्टार्टेड शेयरिंग सो मेनी कॉमन व्यूज एंड दे आर इग्नोरिंग द डेवलपमेंट्स इन द एनवायरमेंट। इसे कहते हैं ग्रुप थिंक, इसे कहते हैं ग्रुप थिंक का डेवलप हो जाना। तो क्या हुआ? ग्रुप थिंक डेवलप हो गया। तो व्हेन द ग्रुप थिंक हैज डेवलप्ड, ठीक है, तो कीपिंग इन द ग्रुप इन एग्जिस्टेंस बिकम द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ द टीम मेंबर। फिर टीम मेंबर की प्राइम जो ऑब्जेक्टिव है वो ये बन जाता है कि ग्रुप एग्जिस्ट करता रहे रादर देन अचीविंग व्हाट्स बेटर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन और व्हाट्स बेटर फॉर द टीम। उनके लिए अपनी जो एग्जिस्टेंस है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस सिचुएशन में फिर मैनेजमेंट को वो टीम ब्रेक लाजमी करनी पड़ती है, बिकॉज अगर वो ये नहीं करेंगे तो वो ग्रुप फिर परफॉर्म नहीं कर पाएगा फर्दर, वो ग्रुप की उसकी जो परफॉर्मेंस है वो नीचे आ जाएगी। तो दो सिचुएशंस में हम डॉर्मिंग की स्टेज को एग्जीक्यूट करते हैं, नंबर वन व्हेन द टास्क हैज बीन अचीव्ड बाय द टीम और नंबर टू व्हेन द ग्रुप थिंक हैज बीन डेवलप्ड। टीम ने अपना टास्क अचीव कर लिया है या फिर ग्रुप थिंक डेवलप हो गया है जो टीम की परफॉर्मेंस को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, उसको अपना टास्क अचीव करने से रोक रहा है। क्लियर? ओके। इसके बाद है एक बड़ी छोटी सी क्विक सी थ्योरी है, बैलेंस थ्योरी ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन, अ वेरी क्विक थ्योरी। ये थ्योरी कहती है कि इंसान ग्रुप किस बुनियाद पे बनाते हैं। दिस थ्योरी सेज दैट पीपल आर ऑलवेज अट्रैक्टेड टू अदर्स ऑन द बेसिस ऑफ शेयरिंग सिमिलर एटीट्यूड्स वैल्यूज रिलेटिंग टू देयर सब्जेक्ट्स सच एज वर्क मैरिज लाइफस्टाइल पॉलिटिक्स रिलीजन अथॉरिटी। लोग डिफरेंट फैक्टर्स की बुनियाद पे सिमिलैरिटीज ढूंढते हैं और वो सिमिलर एटीट्यूड्स और सिमिलर बिहेवियर वाले लोगों को ज्वाइन करते हैं, और फिर जब एक दफ़ा लोग ज्वाइन कर लेते हैं तो एक बैलेंस अचीव कर लेते हैं। अब अगर कभी इम्बैलेंस होता है, इफ़ देयर इज गोइंग टू बी एन इम्बैलेंस इन द ग्रुप, तो अ न्यू बैलेंस माइट बी क्रिएटेड। लोग बैलेंस को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। मतलब पहली चीज़ तो ये है ना कि आपकी ग्रुप फॉर्मेशन किस बुनियाद पर हो रही है। आपकी ग्रुप फॉर्मेशन हो रही है सम कॉमन फैक्टर्स की बुनियाद पर। Now once you have joined a group or you have formed a group based on those common factors, अब आप उन common factors में balance रखने की कोशिश करेंगे। अब आप उन common factors के अंदर balance create करने की कोशिश करेंगे, और अगर आप balance नहीं create कर पाएंगे तो आप नया balance achieve करेंगे। बड़ी मजे की एक example देता है, कहता है consider the situation where your best friend dislikes someone you like, ठीक है? कहते हैं ना दोस्त का दोस्त भी दोस्त होता है और दुश्मन का दोस्त भी दुश्मन होता है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल जस्ट इमेजिन आप किसी को पसंद करते हैं जिसे आपका दोस्त नापसंद करता है। नाउ व्हाट विल हैपन? अब क्या होगा? इम्बैलेंस आ गया ना, एक सिचुएशन में इम्बैलेंस आ गया। अब या आप अपने दोस्त को कन्विंस करेंगे कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करे उस इंडिविजुअल के मुतल्लिक जिसे आप पसंद करते हैं, या फिर आप अपने दोस्त की बात मानेंगे और आप उसको नापसंद करना शुरू कर देंगे। You will start disliking that person. इन दोनों में से एक काम होगा ना, या तो आप उस इंडिविजुअल को नापसंद करना शुरू कर देंगे या फिर आप अपने दोस्त को कन्विंस कर लेंगे। दोनों केसेस में आप बैलेंस को अचीव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना? तो whenever in a certain situation, whenever there is a disbalance, imbalance, people try to achieve balance. बैलेंस अचीव करने के दो तरीके होते हैं, या खुद मान जाएं या दूसरे को मनवा लें। परसुएड योरसेल्फ और परसुएड अदर्स, ठीक है ना? जब आप किसी सिचुएशन में, फॉर एग्जांपल यू मे कंक्लूड दैट योर बेस्ट फ्रेंड इज नॉट योर बेस्ट फ्रेंड आफ्टर ऑल। आपने कहा नहीं मैं उसकी दोस्ती नहीं छोड़ूंगा, आप दोस्त से अपनी दोस्ती खत्म कर लेंगे, आपने बैलेंस क्रिएट कर लिया। और यू मे कंक्लूड दैट यू डोंट लाइक द पर्सन और यू डोंट लव द पर्सन एज यू थॉट यू डिड। आप अपने दोस्त की बात मानेंगे और आप उसको भी नापसंद करना शुरू कर देंगे। दोनों केसेस में क्या हो रहा है? एटीट्यूड में चेंज आ रहा है, ठीक है? इसे कहते हैं बैलेंस थ्योरी। बैलेंस थ्योरी कहती है कि जहां पे टेंशन अराइज होती है ग्रुप्स के अंदर, या लोग सेल्फ परसुएड करते हैं या लोग दूसरों को परसुएड करते हैं। इधर यू सेल्फ परसुएड और यू ट्राई टू परसुएड अदर्स। व्हेनेवर यू आर आउट ऑफ बैलेंस, जब भी आप आउट ऑफ बैलेंस होते हैं, वी आर मोटिवेटेड टू रीस्टोर पोजीशन ऑफ बैलेंस।
we are motivated to restore position of balance. People have to share common liking and common disliking. Ye balance hai. Acha balance sirf ye nahi hai ki positive balance nahi hota ki common liking hi ho, common disliking bhi balance hota hai. Balance need not to reflect positive emotions. The two people who share mutual like or mutual dislike. Balance is not only positive state. अगर दो लोग म्यूचुअल डिसलाइक शेयर करते हैं तो भी बैलेंस है, वो भी बैलेंस है. अगर दो लोग म्यूचुअल लाइकिंग शेयर करते हैं तो भी बैलेंस है. इम्बैलेंस सिर्फ तब आएगा व्हेन अ पर्सन लाइक्स एंड अदर वन डज नॉट लाइक. बैलेंस थ्योरी जो है ये स्टॉर्मिंग की स्टेज में इस्तेमाल होती है. फॉर्मिंग टू परफॉर्मिंग की स्टेज तक आपने नोट किया है कि लोगों के एटीट्यूड चेंज हो रहे होते हैं, उनके कॉन्फ्लिक्ट रिमूव हो रहे होते हैं, तो अल्टीमेटली परफॉर्मिंग स्टेज तक जाते जाते हम बैलेंस को अचीव कर चुके होते हैं. At the stage of forming, imbalances are highest. Forming stage के अंदर imbalances highest होते हैं, but by the time we reach performing stage, we have ultimately achieved balance. Performing stage तक जाते जाते हम balance को achieve कर चुके होते हैं. The imbalance which was highest in the forming stage has now been removed in the performing stage. दो नंबर का, तीन नंबर का एक क्विक शॉर्ट क्वेश्चन बैलेंस थ्योरी में से आ सकता है पेपर में. कभी नहीं आई ये थ्योरी आज तक पेपर में. तो थियोडोर न्यूकॉम कहता है कि बैलेंस थ्योरी के मुताबिक इंसानी फितरत है कि हम हमेशा जिस ग्रुप का हिस्सा होते हैं हम उस ग्रुप में बैलेंस स्ट्राइक करने की कोशिश करते हैं. वी ट्राई टू स्ट्राइक बैलेंस इन द ग्रुप. बैलेंस थ्योरी ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन नेवर. टकमैन का मॉडल एक दफा आया है पेपर में, दोबारा आने के चांसेस बड़े वसी हैं. क्वेश्चन 11 का पार्ट ए था एंड दैट वाज इन विच अटेम्प्ट सितंबर 16 में क्वेश्चन 11 का पार्ट ए था. अगर हम देखें सितंबर 16 का पेपर, एक्सप्लेन ब्रीफली व्हाट इज मेंट बाय द टर्म ग्रुप डायनामिक्स. तीन नंबर ग्रुप डायनामिक्स की जो टर्म है ना, ये आपकी बुक में कहीं डिफाइन नहीं की गई, लेकिन ये टर्म टकमैन के मॉडल से बिलोंग करती है. ग्रुप डायनामिक्स का मतलब ये होता है वेयर द टीम मेंबर्स, ये स्टॉर्मिंग की स्टेज की बेसिकली बात होती है. दिस टर्म टॉक्स अबाउट स्टॉर्मिंग स्टेज. ठीक है कि ग्रुप के अंदर बहुत डायनामिक्स मौजूद है इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट परसेप्शन, डिफरेंट एटीट्यूड्स. ये स्टॉर्मिंग की स्टेज. That is a very quick part, और वो भी टकमैन के मॉडल के नाम से क्वेश्चन नहीं आया और आपकी बुक में ग्रुप डायनामिक्स का वर्ड कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं हुआ हुआ. ये वर्ड आपकी स्टडी किट में जरूर इस्तेमाल हुआ है. स्टडी किट अगर आपके पास मौजूद है तो यू कैन जस्ट फिगर इट आउट. क्या आप इस अपने 9th चैप्टर में देखेंगे तो वहाँ भी आपको ग्रुप डायनामिक्स की एक टर्म मिलेगी. खैर तो टकमैन के ऊपर अभी तक एज सच. और इसके अलावा एक और छोटा सा इसमें शो हो रहा है क्वेश्चन मार्च 17 में, क्वेश्चन नंबर 5 का 5, एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था मेरा ख्याल. मार्च 17 में चूंकि एमसीक्यूज आए थे तो मार्च 17 के अंदर आई गेस सो दैट देयर वाज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन मार्च 17. एक मिनट, लेट मी जस्ट ब्रिंग द पेपर मार्च 17 का. उसमें एक छोटा सा पार्ट था, मैं खाली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, हम अभी देखते हैं. Exactly. If you can see here, storming stage, development of group participant tend to articulate their inner differences but suppress personal ambition, reveal their personal goal and give vent to their differences, strengthen the relationship established in the forming stage, extend less cooperation to leader who downplay existence.
हाँ जी, कौन सा आंसर है इसके अंदर? फाइव का। स्टॉर्मिंग स्टेज में पार्टिसिपेंट टेंड टू क्या करने की कोशिश करते हैं? आर्टिकुलेट करते हैं डिफरेंसेस को, बट सप्रेस पर्सनल एम्बिशंस टू रीच अमिकेबल डिसीजन। यही करते हैं ना, यही करते हैं। ये आपकी बुक में इसके लिए सेंटेंस क्या इस्तेमाल करता है? आपकी बुक में इसके लिए वो सेंटेंस यूज करता है कि पार्टिसिपेंट्स स्टॉर्मिंग स्टेज के अंदर लीडर एनकरेज करता है उनको, फिर फोकस ऑन द टीम टास्क रादर देन ऑन रिलेशनशिप एंड इमोशनल इश्यूज। तो वो आर्टिकुलेट करते हैं इनर डिफरेंसेस को, मीन्स उसे वो सेपरेट करते हैं और वो फोकस करने की कोशिश करते हैं एमिकेबल डिसीजन। एमिकेबल डिसीजन से मुराद ये है जहाँ पे सारे मेंबर्स एग्री करें एक सर्टन डिसीजन मेकिंग के ऊपर, से हम एमिकेबल डिसीजन कहते हैं। सो दैट वॉज द वन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन। एनी क्वेश्चन सो फार? यहां तक कोई सवाल? चलिए, यहाँ पे हमारा ये तीसरा पार्ट भी मुकम्मल हो जाता है। चौथा पार्ट है इफेक्टिव वर्सेस इनइफेक्टिव टीम्स का। ये हम कुछ कल करेंगे, कुछ परसों करेंगे। सैटरडे को हम इंशाल्लाह इस चैप्टर को कंक्लूड करेंगे। कल आपका 8th चैप्टर के फर्स्ट हाफ का टेस्ट भी है, अनाउंस किया हुआ मैंने, अपलोड हो जाएगा आपके LMS पे। यू कैन एक्सेस दैट एंड यू कैन अटेम्प्ट दैट, ठीक है? सो यू विल बी गेटिंग योर टेस्ट इन योर LMS बाय टुमारो। क्लियर? चलें, लेट्स इट्स इनफ फॉर टुडे। कल इंशाल्लाह इफेक्टिव एंड इफेक्टिव का डिफरेंस स्टार्ट करते हैं और टीम परफॉर्मेंस को पढ़ते हैं। परसों टूल्स एंड टेक्निक्स पढ़ेंगे और ग्रुप कोहेशन पढ़ेंगे, और परसों इस चैप्टर को वाइंड अप करके मंडे को इंशाल्लाह 10th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। 10th चैप्टर भी एक हफ्ता लेगा, तकरीबन 5-6 लेक्चर्स, और उसके बाद जो आखिरी हफ्ता होगा वो हम रिवीजन को डेडिकेट करेंगे। लास्ट वीक इज गोइंग टू बी द रिवीजन वीक। ऑल गुड, ऑल सेट? Sure, see you around then. Thank you. Love is...